तीसरी दफ़ा जब आपको लोग फॉरम्स पे वेबसाइट पे जो है आपको पूछना शुरू कर देते हैं, मैन व्हाट एल्स डू यू एंड वी रियली लव योर म्यूजिक एंड ब्ला ब्ला, चौथी दफ़ा जब आपको ऑस्ट्रेलिया से फोन आना शुरू हो जाते हैं, वी रियली वांट टू होल्ड योर कॉन्सर्ट इवन फॉर जस्ट फॉर वन सॉन्ग, प्लीज कम ओवर, वी वुड रियली लाइक टू हैव यू. तो ये दोनों खेल रहे थे ये ऑडियंस के साथ, गौहर और कोई आगे कोई पीछे, वर यू डूइंग दैट कॉन्शियसली? ये था कि किसी को पता ना चले कि कौन है? नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्शियसली नहीं था, ये बस होना था, ये हुआ है, ये कॉन्शियसली नहीं था. आई नेवर प्लान्ड एनीथिंग टिल डेट. ओके, आई मीन कोई प्लानिंग नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई क्राइटेरिया है या इसका कोई फॉर्मूला है कि यू नो आप ये कर लो तो आपका गाना सक्सेसफुल हो जाएगा, आप ये कर लो तो आपको फेम ज्यादा मिल जाएगा. आई डोंट थिंक सो. तो ये जल कितने अरसे रहा बैंड टुगेदर? आई थिंक इट वाज फॉर गुड 3-4 इयर्स. और कितना म्यूजिक बनाया साथ? कह लें कि वी ऑलमोस्ट मेड 6 to 7 सॉन्ग्स टुगेदर. और फिर अलग क्यों हो गए? अलग क्यों हो गए, इसके बहुत सारे रीजंस थे. सिलसिला ये था कि मेरा जो भाई था बेसिकली ही वाज मैनेजिंग अस, और ये भी ही वाज मैनेजिंग अस क्योंकि ही वाज वर्किंग फॉर अ मार्केटिंग कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और हमने जो मेरी बात हुई थी गौर से, मैंने उसे कहा कि यार क्या करना है, आई थिंक पीपल हैव रियली स्टार्टेड कॉलिंग अस अप नाउ, दे रियली वांट अस, हमें शोज करने चाहिए, अब क्या करना. कहते हैं हाँ ठीक है, अपने ऐसा कर, अपने बेशक अपने भाई से बात कर ले, बिकॉज आई थिंक ही यू नो वर्क्स फॉर मार्केटिंग कंपनी, तो उससे बात कर ले. तो मैंने बात की, उसने कहा ठीक है, आई लीव माई जॉब बिकॉज इट्स क्वाइट अ थिंग, आई थिंक फुल टाइम जॉब है तुम लोगों की, तो पैसे तुम लोग जब कुछ बनोगे तब बात कर लेते. तो यू लाइक या दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स फाइन, सो ही वाज देयर टू. अब वो उसने मैनेज करना शुरू कर दिया काम. एंड आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, यू नो कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ कि ही केम अप टू मी एंड ही सेड कि यार आई थिंक हम लोग इस तरह साथ काम नहीं कर सकते, क्यों क्या हुआ, वजह क्या हुई, व्हाई यू बिहेविंग लाइक दैट. मेरा भाई भी मैनेज करेगा, तुम्हारा भाई मैनेज कर रहा है तो मेरा भाई भी मैनेज करेगा. मैंने कहा अच्छा, टेल मी वन गुड रीजन. सो आई कैन गॉट टू नो दैट, ये पता चला कि तुम्हारे घर में ज़्यादा पैसे जाएंगे और मेरे घर में कम पैसे जाएंगे. इट वॉज अबाउट दैट. सो आई फेल्ट रियली, आई मीन आई गॉट टिक्ड ऑफ. मैंने कहा ये कैसी बात है, अब भाई ने जो था उस वक्त अपनी जॉब छोड़ी थी, मैं भाई को क्या बताता, मैं उसको क्या कहता कि यार क्या करें. तो मैंने भाई को इस तरह से बताया, सो ही सेड कि यार अच्छा चलो ठीक है, आई थिंक आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ, अब मुझे तो नहीं पता तुम लोग क्या चाहते, बट इससे ज़्यादा जो चीज़ मुझे बुरी लगी थी, जो अजीब लगी थी, मैं अभी भी कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से काम जो है वो साथ होना चाहिए और हो जाए तो अच्छी बात, बिकॉज़ मैं आई बी द लास्ट पर्सन जो कि किसी से नाता या ताल्लुक तोड़ता है. मैं जोड़ने में पहल करता हूँ, मैं तोड़ने में कभी पहल नहीं करता, किसी से ताल्लुक तोड़ने में कभी पहल नहीं करता, आई बी द लास्ट पर्सन. सो व्हाट हैपेंड वाज कि देयर वाज अ शो जिसकी क्यूरी जो थी, अब इस वक्त मेरा भाई मैनेज नहीं कर रहा, उसने छोड़ दी, उसने वापस अपना ऑफिस का काम शुरू कर लिया. मैंने शुरू किया, मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई और उन्होंने कहा जी देयर इज अ कॉन्सर्ट व्हिच इज हैपनिंग ऑन दिस डेट. सो अब 2 महीने से हम लोग बात नहीं कर रहे आपस में. आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड लिसन यार, इस तरह से कुछ अलग अलग होगी, कुछ नहीं होगा, लेट्स वर्क टुगेदर, देयर इज अ क्यूरी ऑन द 19th ऑफ दिस मंथ, लेट्स रिहर्स एंड लेट्स प्ले. He came 2 days for the rehearsals. He was there. He was rehearsing with me. The third day, he says, "Yaar, paise kahan?" I was like, "I have not received anything yet. But jab mujhe milenge, main tujhe zarur dunga." Acha, agar aisi baat hai, yaar, to theek hai. I think on the same day, mujhe na Karachi se ek television show ki offer ho rahi hai. Wo log jal ko bula rahe hain. तो मैं तो जल को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ उधर.
क्या, हाउ कैन यू गो लाइक दैट, मतलब अब मैंने कमिट किया है और मैंने तुझे पहले बताया था पोस्टर्स छप चुके हैं, अब ये सब कैसे होगा, नहीं तो सारा बर्डन मेरे पे आ जाएगा। कहते यार तू देख ले तुझे क्या करना, मुझे लगता है बैंड के लिए टीवी कवरेज ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे समझ आ गई कि कुछ ब्लैकमेल करने का सिलसिला था कि यार यू नो गिव मी द मनी, आई डिडंट हैव द मनी, ऑफ कोर्स अगर मेरे पास उस वक्त होता कुछ मैं उसको ज़रूर दे देता। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड वाज कि यू नो आई फिगर्ड आउट कि अब ये 2 से 3 दिन तक जहाँ पे नहीं आएगा, आई हैव टू डू दिस ऑन माई ओन। कर कर आके मैंने बच्चों के साथ रिहर्स करना शुरू किया, यू नो गाने सिखाए उनको एंड ऑल ऑफ दैट, सब मैंने रिहर्स किया। पता चला कि वो गया उस चैनल पे, उस टीवी चैनल पे, और उस टीवी चैनल पे जाके उसने उनको ये बताया कि मेरे घर में डेथ हुई जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। उस वक्त मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, सो आई रिसीव अ कॉल ऑन माय लैंडलाइन, आई पिक अप द फोन एंड ही गोज, मैं अहमद अली भट्ट बात कर रहा हूँ, नो एक्सपोजर ऑफ मी एवर टॉकिंग टू नो अहमद अली भट्ट, मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। अहमद अली भट्ट बात कर रहा हूँ, क्या आप आतिफ असलम बात कर रहे हैं? मैं कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास क्या प्रूफ है कि आप आतिफ असलम बात कर रहे हैं? सो आई टू प्रूव माई, आई टू सिंग अ सॉन्ग टू प्रूव हिम कि मैं बात कर रहा था। सो वेदर इट वॉज अहमद अली भट्ट और इट वॉज समवन फ्रॉम देयर चैनल जो कि उनका गुड रिप्रेजेंटेटिव था, मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि इस तरीके का ये बड़ा सिलसिला है, ये बंदा जो हमारे सामने बैठा है, ये आपका जो गिटारिस्ट है, ये मैं कह रहा है कि आपके घर में क्यों डेथ हुई? मैं कि जी आई एम सॉरी गॉड फॉरबिड, ऐसी कोई बात नहीं हुई, मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं, जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है ये झूठ बोल रहा है आपसे, ये सच नहीं बोल रहा, मेरे घर में सब कुछ ठीक है, सब खैर है। फोन बंद। So basically he went there for a representation and he lied to them because obviously they were asking him band member kahan hai, band member and who's you know lead singer kahan hai jisne gana gaya hai wo kidhar hai, to usne kaha ke uske ghar mein death hogi wo nahi aa sakta, unhone confirm kiya nahi, so probably they took the tickets away from him, the hotel and all of that, कि आपने हमसे झूठ बोला है तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, हमारा तो इतना खर्चा हुआ है, ऑल ऑफ दैट, व्हाटएवर मस्ट हैव हैपेंड आई डोंट नो, बट ही लाइड टू मी। और फिर सिलसिला ये हुआ कि वो जो कॉन्सर्ट था, जो लाहौर का जो कॉन्सर्ट था, आई हैड टू डू इट मायसेल्फ, आई डिड इट मायसेल्फ, इट वाज अ सक्सेस, एंड फ्रॉम देयर आई डिसाइडेड दैट आई वोंट बी वर्किंग विद हिम। जल किसका था फिर? अब आप कॉपीराइट की बात करें, हाँ, so basically, unfortunately, इस मुल्क में कॉपीराइट एक्ट जो है, हाँ, वो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता, हाँ, तो फाइल्स होते गए, केसेस होते गए, अजीब बात यह है दोनों की एल्बम रिलीज हुई, दोनों की एल्बम में सेम गाने, ये कहीं नहीं हुआ पूरी दुनिया है ना, वो जल अंजल पर ही हो गया। अपने नाम से उसको करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यार अगर मेरे अंदर सच्चाई है और मेरे अंदर वो पैशन है और मैं अगर सच पे खड़ा हूं तो मुझे इस नाम की जरूरत नहीं, मेरा जो काम है वो बोलेगा। आप एक कहीं इकट्ठे भी हुए थे आप? हम लोग बल्कि इनफैक्ट फरहान आप और बिल्कुल हुए थे। इट्स जस्ट दैट मुझे ये लगता है कि वक्त एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। शायद इंसान को so when you met क्या उसने what did he say, क्या हुआ था, did you ask him कि ऐसा क्यों किया? Okay, he regretted it. He regretted it and he said when I asked him he says I miss him.
He misses you. Yeah. No, I mean, huh? He's a great player. So, मुझे उसके साथ म्यूजिक करने में बहुत मजा आता था. और जब उसने आके ये मुझसे कहा कि यार, I regret it कि यार इस तरह से ये हुआ था और इस तरह से, I felt a little awkward because मुझे ये लगा कि यार मैं उसको समझाया भी था, मैंने उसको बताया भी था कि जो इकट्ठे काम करने में मजा आएगा उसका उसकी बात कुछ अलग ही होगी. ठीक है, और जब वक्त गुजर जाएगा उसके बाद किसी को इस चीज का एहसास नहीं होगा, किसी को इस चीज के बारे में, किसी को इस चीज की जरूरत नहीं होगी, कुछ सुनना नहीं चाहेगा.